माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने और चहेते चैनल चंद्रराज सर पे। तो डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि मॉप अप राउंड क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मॉप अप राउंड में हमें हर जगह कॉलेज मिलेगा, मॉप अप राउंड में बहुत कम मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा, मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कैसे होगी, मॉप अप राउंड के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चलती हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा मॉप अप राउंड के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मॉप अप राउंड कब होगा, लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि मॉप अप राउंड से बाद भी, मॉप अप राउंड जब खत्म होता है उसके बाद भी एक स्पेशल राउंड होता है जिसको बोला जाता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी बहुत लो स्कोर पे MBBS मिलने की संभावना रहती है। लेकिन स्ट्रे में कब आप जाएंगे इसकी जानकारी आपको आगे दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मॉप अप राउंड की तरह, क्योंकि फ्रेंड्स मॉप अप राउंड जो है, जब आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग फर्स्ट और सेकेंड राउंड का कंप्लीट होता है और स्टेट की भी काउंसलिंग फर्स्ट और सेकेंड राउंड की कंप्लीट हो जाती है, तो जो ऑल इंडिया कोटे से, जो 15% कोटे से रिमेनिंग सीट बच जाते हैं, वो सीट ऑटोमेटिक जो है वो स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और इधर स्टेट के फर्स्ट सेकेंड काउंसलिंग से भी जो सीट आती हैं, ये दोनों सीट एग्जैक्टली जुड़ जाते हैं, और इन्हीं दोनों सीट पे स्टेट काउंसलिंग कमेटी जो है वो मॉप अप राउंड करवाती है। इसका मतलब ये है कि ऑल इंडिया कोटे के थ्रू मॉप अप राउंड की काउंसलिंग नहीं होती है। सबसे पहले माइंड में ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, लोग सोचते हैं कि ऑल इंडिया का मॉप अप राउंड कब होगा, बट आपको बता देता हूँ कि ऑल इंडिया मॉप अप राउंड नहीं होता है। ऑल इंडिया के थ्रू मॉप अप राउंड कहाँ पे होगा उसकी जानकारी अलग होगी, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो ऑल इंडिया का फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग और स्टेट का फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के जिस सीट बचेंगे, वो दोनों सीट ऐड कर दिए जाएंगे और स्टेट काउंसलिंग के पास होगी वो, और स्टेट काउंसलिंग ही मॉप अप राउंड कंडक्ट कराएगी। डियर फ्रेंड्स, एक और सूचना आपको दे रहा हूँ, अगर आप 2022 नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पढ़ी हुई चीज़ें जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहती, भूलने की बीमारी है, तो मैं आपको एक बेहतरीन टेक्निक बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका पढ़ा हुआ चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहने वाला है। इसका मतलब मैं आपके पास बात करने वाला हूँ कि यूनिक ऐप का, और ये ऐप आपका है फ्लैश प्रेप ऐप। जी हाँ, फ्लैश प्रेप ऐप एक ऐसा ऐप है जो आपकी पढ़ी हुई चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद रखने में काफ़ी हेल्प करती हैं, और इसमें आपको मिलता है एक फ्लैश कार्ड, और ये फ्लैश कार्ड आपने नाम सुना ही होगा, ये फ्लैश कार्ड के हेल्प से आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को याद कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये फ्लैश प्रेप ऐप बिल्कुल ही फ्री है, इसके लिए आपको 0 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इस एप्लीकेशन का सबसे स्पेशल फीचर मुझे ये लगा कि इससे आप अपने फ्रेंड्स को भी चैलेंज कर सकते हो। जी हाँ, आप अपने फ्रेंड्स को भी चैलेंज कर सकते हो। जैसे आपने कोई मॉक टेस्ट दिया या फ्लैश कार्ड के थ्रू आपको कोई चैलेंज आया, तो उस चैलेंज को आप अपने फ्रेंड्स को भी कर सकते हो, और साथ ही साथ आप अपना खुद का भी फ्लैश कार्ड बना सकते हो। इसका इंटरफेस इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव है कि आपको खुद मन करेगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूं। बता दूं सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेगा, वो भी फ्लैश कार्ड के रूप में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस ऐप को एक बार जरूर आप लोग ट्राई करके देखो, शायद आपको पढ़ी हुई चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। और इसके लिए मैंने इसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो फाइनली आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या एक स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट के मॉप अप राउंड में जा सकता है, तो आंसर है जी हाँ। मैं आपको बता दूं कि अगर उस स्टेट के गवर्नमेंट सीट के लिए अगर मॉप अप राउंड हो रहा है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट के लिए मॉप अप राउंड चल रहा है तो किसी भी स्टेट का बच्चा कहीं भी दूसरे स्टेट में जाके अप्लाई कर सकता है। वो ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट के लिए एलिजिबल है, वहां पे डोमिसाइल नहीं लगता है। मॉप अप राउंड में जब आप जा रहे होंगे तो 3 स्टेट को आपको दिमाग से निकाल देना है। वो पहला स्टेट आपके पास गुजरात होगा, जहाँ पे अदर स्टेट के बच्चे अलाउड नहीं होते, ओपन सीट नहीं होता वहाँ पे। दूसरा आपके पास बताना चाहूँगा महाराष्ट्र, और तीसरा स्टेट जो है वो JNK। इन 3 स्टेट को आप माइंड से निकाल दीजिए। इसके अलावा इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, आप कहीं भी डीम्ड और प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मॉप अप राउंड में जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ पे मॉप अप राउंड में सीट भरना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा सीट मैक्सिमम भर जाए, और मैक्सिमम सीट भरने के चक्कर में जो है वो लो स्कोर पर भी जो है वो एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपका स्कोर लो है और आपका बजट अगर ठीक ठाक है, तो हताश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से जो है वो अच्छे स्कोर पे भी, लो स्कोर पे भी MBBS कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब दिमाग में आता है कि सर इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो मॉप अप राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती, आप ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाते हैं मॉप अप राउंड के लिए। लेकिन अगर आपने राउंड 1 राउंड 2 में काउंसलिंग में नहीं रजिस्ट्रेशन कराया है, तो मॉप अप राउंड का फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी खुलता है, मतलब आप
अगर राउंड वन राउंड टू में नहीं जाना चाहते हैं, आपको पहले से पता है कि मेरा मार्क्स कम है, वहाँ पे मुझे MBBS नहीं मिल सकता, तो आप डायरेक्टली मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और उसके लिए आप एलिजिबल हो। अब फ्रेंड्स दिमाग में एक बात और है कि सर शुरुआत में आपने जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करी उसका क्या एग्जैक्टली मीनिंग है। अगर मॉपअप राउंड में कुछ सीट्स बच जाते हैं तो वो सीट्स जो है वो उस पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और वो कॉलेज जो है या वो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो अपने बेसिस पे, कॉलेज बेसिस पे ही वो मॉपअप राउंड कराती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। लेकिन अगर मेरे भाषा में उसको बात करोगे तो उसको मैं बोलता हूँ कॉलेज लेवल मॉपअप राउंड। मतलब हर एक कॉलेज जो है वो एलिजिबल है अपनी सीट को भरने के लिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं चाहता कोई कॉलेज की इतनी हैवी फीस वाली सीट खाली रह जाए। तो उस कंडीशन में स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो कॉलेज अपने ही बिहाफ पे कराती है। अब आपको एक बात बता दूं कि कॉलेज मेरिट लिस्ट कैसे तैयार करेगी। मान लीजिए किसी कॉलेज में 7 या 10 सीट खाली रह गए, तो वो कम से कम उसका 15 टाइम्स स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट लेगी और उसी मेरिट लिस्ट में वो शॉर्टलिस्ट करके बच्चों को काउंसिल करके एडमिशन अपने यहाँ लेगी। अब चूंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में प्राइवेट कॉलेज या डिम्ड अपने हिसाब से करते हैं, फी ज़्यादा होता है, तो वैसे कंडीशन में पिछले साल भी देखने को मिला था कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर 180, 210, 220, 230, 240 स्कोर पे इजीली MBBS कॉलेज अलाउट हुआ है। तो अगर आपका बजट 15 लाख से ऊपर का रहता है पर ईयर, तो निश्चित तौर पर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाके और आराम से MBBS सीट मतलब अपना कवर कर सकते हो। सबसे पहली बात कि सर इसका क्या प्रोसेस है, कैसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना है, कैसे हमें पता चलेगा। तो सारे बच्चे स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, मैं पहले ये बात को क्लियर कर दूंगा, स्ट्रे वैकेंसी में सारे बच्चे एलिजिबल नहीं होते। अगर आप राउंड वन और राउंड टू या मॉपअप राउंड में अपनी काउंसलिंग ऑलरेडी करा चुके हो तो आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं ये बात कि अगर आप राउंड वन राउंड टू या मॉपअप राउंड में अपनी काउंसलिंग एग्जैक्टली करा चुके हो तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। वरना पहले आपको जो कॉलेज अलॉट हो चुका होगा उसकी फी भरनी होगी, उसका जो फाइन सिस्टम होगा वो भरना होगा और वहां पे आपको फी अपनी छोड़नी पड़ेगी, वो फी रिफंड नहीं होगी आपकी, ये बात दिमाग में रखिएगा। तब जाके आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ये बेसिकली प्रोसेस होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दिया हूँ। इसके अलावा भी कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जो मॉपअप और स्ट्रे की है उसको मैं अगले वीडियो में जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिन बच्चे का मन है कि मेरा को नहीं सर इस साल नहीं करनी है अपनी एडमिशन कहीं, मैं अगले साल की तैयारी करूंगा, तो आपको इस टाइम बड़ा ऑफर के साथ मैं लेकर आया हूँ कार बैच आपके लिए। ओनली एंड ओनली 1500 रुपीज में पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, वो भी जबरदस्त ट्रिक के साथ। तो मेरे साथ जुड़िए और पढ़िए। इंडिया पढ़ेगा तभी जब इंडिया पढ़ेगा, इसलिए पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगले साल डॉक्टर बनना आपको, जी जान से लग जाओ अभी से, 7 महीना काफी है आपको अपनी मंजिल तक जाने के लिए।